गाइस आज फिर से आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। और आज हम पहुंच गए हैं खल्लारी के लोकेशन में। आज देख आप देख सकते हैं यहाँ ज़बरदस्त कुछ सेटअप लगने जा रहे हैं 6 सितंबर के एक स्पेशल। यहाँ आज दिन भर बहुत ही ज़बरदस्त माहौल रहेगा। सीढ़ा वीडिया का प्रोसेस है, खाने को मिलेगा। ये पंडाल अभी लगने जा रही है, पूरा वीडियो आएगी, ज़बरदस्त आएगी। ये भाई लोग बहुत लोग मित्र हैं यहाँ, जितेंद्र भाई इसका नाम है, जितेंद्र मरकाम। तो ये बताएंगे इसके बारे में, इतिहास क्या है, ये प्रोग्राम कैसे होता है और कब तक चलेगी और कब स्टार्ट होगी। अभी तो फिलहाल पंडाल लग रहे हैं। तो जितेंद्र भाई आप थोड़ा सा बताएंगे कि प्रोग्राम क्या चीज़ है और क्या मान्यता है और क्या गाँव वाले मानते हैं और किस हिसाब से ये प्रोग्राम होता है, ज़बरदस्त होता है, क्या होता है, थोड़ा सा बताएँगे भाई। हाय सभी साथियों को, हाय। यहाँ प्रोग्राम अनवरत कई वर्षों चली आ रही है। जो पहले मतलब एक जगह एक स्यान होता था गांव, उसी के घर में जाकर यहाँ कार्यक्रम किया जाता था, लेकिन अब इसको एक अलग रूप देकर कार्यक्रम यहाँ एक मंच के द्वारा सभी को सम्मान दिया जाता है और सबका एक अलग से माहौल हर्ष उल्लास के साथ मनाया भी जाता है। और यहाँ कार्यक्रम नया के सेकंड दिन किया जाता था, लेकिन हम इसको अनवरत 4-5 सालों से उसके तीसरे दिन में यहाँ कार्यक्रम मतलब करते आ रहे हैं। नया खाई के 2-3 दिन बाद किए जाते हैं। हाँ। और इसमें एक अलग मतलब यहाँ सभी वर्गों के लिए है यहाँ कार्यक्रम, नहीं कि एक ही वर्ग, ऐसा नहीं है, सभी वर्गों के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ आप कोई भी जाति हो, जाति विवाद नहीं है, यहाँ हर जाति के लोग आ सकते हैं, हर वर्ग के लोग आ सकते हैं। यहाँ इंसानियत वाली चीज़ दिखाई देगी आपको, प्यार मोहब्बत सबसे बनी रहती है। तो भाई और बताएंगे इसके बारे में कि शाम तक चलेगी, कितना टाइम ख़त्म होगा, क्या है थोड़ा सा। हाँ कार्यक्रम वैसे तो यहाँ पूरा शाम ही हो जाता है, लगभग 7-8 बजे जाता है, क्योंकि कार्यक्रम बहुत है इस साल। इस साल क्या है, बच्चे लोग भी अपना कार्यक्रम दिखा रहे हैं और प्लस उद्घोषण भी होता है प्रोग्राम। और आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, क्या है थोड़ा सा बताएँगे हमारे पब्लिक को, व्यूअर को। हाँ यहाँ प्रोग्राम जो है एक अभी तो यहाँ कार्यक्रम बच्चे लोग के जरिए भी दिया जा रहा है और यहाँ एक रेला नृत्य का भी कार्यक्रम होता है, जिसमें सभी एक साथ संयुक्त रूप से उसका आनंद भी लेते हैं और नाचते भी हैं सभी लोग। रेला नृत्य मतलब पुराने रिवाज को फॉलो करते हैं, पुराने रिवाज को फॉलो करते हैं। और किस प्रकार के और कार्यक्रम यहाँ देखने को मिलेगा? और यहाँ सभी को जैसे समाज में जो काम किए हैं उन लोग को सम्मानित भी किया जाएगा, प्लस और अनवरत आगे पीढ़ी को यहाँ कार्यक्रम अपने हस्ताक्षर भी करना है, मतलब वहाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यहाँ कार्यक्रम लेके जाना है, एक उद्देश्य लेकर यहाँ कार्यक्रम मनाई जा रही है। मतलब ये कार्यक्रम आपको एक कुछ मोटिव के जरिए दिखने को मिलेगा, ये टाइम पास वाला काम नहीं है, आपको इससे कुछ सीख मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। और भाई का सोच बहुत अच्छा है, समाज का सोच बहुत अच्छा है। तो मेरे साथ ये वीडियो एकदम कंटिन्यू रहेगा भाई, तब तक के लिए मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपना स्वीट से एक कॉमेंट छोड़ देना। थैंक यू गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं ये पुराने कल्चर के हिसाब से ज़बरदस्त पोशाक लगाए हुए वेशभूषा में कल्चर डांस के साथ कार्यक्रम की शुरुआत के लिए सबसे पहले गांव के शीतला मंदिर जाएंगे और पूजा पाठ करेंगे और शुभारम्भ का आशीर्वाद लेंगे गाइस। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर पोशाक में आपको ये लड़कियां नज़र आएंगी जो कल्चर के हिसाब से ही चल रही हैं। ग्राम खल्लारी का यह दृश्य, जब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। गाइस आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर पोशाक में पारंपरिक ढंग से नृत्य नाचते हुए ये आपको केवल छत्तीसगढ़ के एरिया में ही देखने को मिलेगा गाइस। आप ऐसे ही आपको दिन भर आपको बहुत ही अच्छे दिखाएंगे, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए गाइस। तो गाइस हम पहुंच गए हैं गांव के शीतला मंदिर, आप देख सकते हैं राम खल्लारी का ये शीतला मंदिर कितना सुंदर है और यहाँ के देवी देवताओं को भी दिखाएंगे, यहाँ के माता को भी दिखाएंगे, शीतला माता को। तो आगे चलते हैं गाइस और आपको दिखाते हैं लोकेशन खल्लारी के शीतला मंदिर कैसे दिखता है और क्या है। तो आप बिल्कुल ही
आएंगे खल्लारी तो मंदिर को देख सकते हैं। ये हमारे गांव के पुजारी से माता पुजारी बोला जाता है वो है, और ये हमारे गांव का जो देवता बोलते हैं। तो ये वाले मंदिर में हम जाएंगे और हमारे गांव के आंगा लिंगो बोलते हैं, आंगा का नाम यहाँ लिंगो बोला जाता है, तो उनकी पूजा करने के लिए हम अंदर घुस गए हैं गाइस। और आप देख सकते हैं यहाँ ज़बरदस्त तरीके से पारंपरिक हिसाब से ही फूल पान चढ़ाकर चावल वावल चढ़ाकर पूजा किया जा रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं गांव में सभी देवी देवताओं का पुजारी रखा जाता है, जैसे कि माता पुजारी आपको बाहर दिखा है, उसी प्रकार ये आंगा के पुजारी ये हैं जो भी आपको देखने को मिला नारियल फोड़ते हुए, वो इनके पुजारी हैं, उनकी सेवा करना इनका ही काम है। और ये हमारे गांव मान्यता बहुत है, इनका श्रद्धा इनके प्रति श्रद्धा आंगा के प्रति बहुत लोगों को मन में है। तो अब हम जा रहे हैं माँ शीतला के पास, आप देख सकते हैं श्रद्धालु जन आशीर्वाद लेते हुए और घंटी बजाते हुए हमारे गांव के हिसाब से पारंपरिक वेशभूषा में दिख रहे होंगे, वो हमारे जितेंद्र भाई हैं और मैं। तो गाइस हम अभी इस तरह की जगह पे हैं मंदिर में, आप देख सकते हैं, और वो मेरे जितेंद्र भाई हैं और ये मैं हूँ और ये हमारे दादा। हमारे हमारे
के पीछे देंगे। मंच में बैठे सभी दादा स्वागत पर भारी हो से चाहूंगा कि आप सबसे पहले हमारे गांव के पटेल जिसके छायाचित्र में हम निवासरत हैं, ग्राम पटेल से जुड़ा हुआ काफी को पगड़ी बांध करके स्वागत करेंगे। मैं स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे संगठन के संरक्षक भाई जितेंद्र मरकाम के और उनके साथी। गंभीर बात करके स्वागत करेंगे। साथ ही स्वागत की अगली कड़ी में मैं हमारे घर की माथी उधारी भालू मरकाम जी। तो गाइज आप देख सकते हो कोई सभी शुभ काम करने से पहले पूजा पाठ की जाती है, वैसे ही यहाँ प्रोग्राम की शुरुआत होने से पहले पूजा पाठ की जा रही है। नारियल तोड़ा जा रहा है, फूल पान चढ़ाया जा रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा। गाइज हमारे पटेल हैं गांव के, वो नारियल तोड़ रहे हैं, हमारे पूरे सदस्य। तो गाय
गाइज एक अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा होगा। हाथ में पत्तल लिए बैठे हुए हैं सियान लोग। तो ये क्या है, पुरानी परंपरा के हिसाब से ये देवी देवता गांव के जो रहते हैं मुखिया, उनको दारू, देसी दारू है ये, देसी दारू से फुल मंद बोलते हैं छत्तीसगढ़ में इसको, फली फुल्ली मंद बोलते हैं। तो ये उसको तरपना बोलते हैं, तरपना मतलब कुछ पिला देते हैं ज़मीन में। एक श्रद्धा माना जाता है पुराने रिवाज के हिसाब से इसको, और ये अभी तक चलती आ रही है गांव में, आपको देखने को मिलेगा। और यहां भी आपको ये परंपरा बहुत ही सुंदर दिखने को मिल रहा होगा। और सगा ने भेंट कर रहे हैं कि आपके आशीर्वाद, आपके सुख चिंतन हमारे ऊपर